हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कुछ मैंने टॉपिक बता दिया है कंसाइनमेंट में। तो आज हमारा टॉपिक है कि कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। अब आप लोगों को तो सभी को पता ही होगा, पार्ट वन में आ गए तो सभी को पता ही होगा कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। फिर भी मैं बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक वैसा स्टॉक है जो कि सोल्ड करने के बाद ईयर के लास्ट में कुछ बच जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोर्ड पे लिख लिया है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि आप कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम कंसाइनमेंट मेरा काम क्या होता है कि हम कंसाइनर है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करेंगे, क्या चीज़ करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए। लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो कंसाइनी टोटल गुड्स सेंड कर ही देगा? किसी ने ये बोल तो नहीं रखा है कि हाँ भाई जो कंसाइनी है उसने टोटल गुड्स को सेंड कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सेल कर भी सकता है और कुछ बच भी सकता है, तो जो आपका बच जाएगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो बोलिएगा भाई सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक वो होगा ही, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है? 10,000 का सामान भेजा गया था, 8,000 का बेच दिया, 2,000 बच गया, उसका वैल्यूएशन करने वाली बात कहाँ से आती है? लेकिन आपको बता दो, वैल्यूएशन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ खर्च जो कंसाइनर के थ्रू होता है और कुछ खर्च जो कंसाइनी के थ्रू होता है, वो सारे खर्च को हमको ऐड करना पड़ता है। किसमें? वो सारे खर्च को हमको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ता है। अब क्यों ऐड करना पड़ेगा, कैसे ऐड करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग सीखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि क्लोजिंग स्टॉक तो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जब हम निकालेंगे तो आपका इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है आपका वो हो जाएगा। उसका जिसमें प्लस कर देंगे आपका जो कंसाइनर का, आपका जो एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर फिर प्लस कर देंगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो ये हम करेंगे, क्या करेंगे कि जितने भी कंसाइनर है, कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस है उसका वैल्यू में ऐड कर देंगे और जो भी कंसाइनी उसका वैल्यू में हम ऐड कर देंगे। यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों के एक्सपेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। अब मान लीजिए हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए तो हम एंट्री क्या बनाएंगे। तो एंट्री बनाने का दो टर्म होता है, पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक, इसका एंट्री बन जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आप ये एंट्री बना सकते हैं कब, क्लोजिंग स्टॉक के टाइम में, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, यानी कि क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक, जो भी आपका अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये स्टॉक जो है फ्यूचर में जाके नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग भी तो बन सकता है ना। मान लीजिए हमारा इस साल बच गया तो क्या उसको फेंक तो नहीं देंगे, जलाव तो नहीं देंगे या कुछ उसका नष्ट तो नहीं कर देंगे, हमको उसको नेक्स्ट ईयर भी सेल करना है। तो जो इस साल का क्लोजिंग होगा नेक्स्ट साल का वो ओपनिंग बन जाएगा। जब वो ओपनिंग बनेगा तो उस टाइम में उसका एंट्री क्या होगा वो देखिए, ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का एंट्री क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कंसाइनमेंट
अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री आपका बन जाएगा और सेम अमाउंट आपका सेम हो जाएगा, जो अमाउंट यहाँ होगा वो अमाउंट यहाँ भी आपका होगा, क्योंकि इसी को हमने ओपनिंग बनाया है। तो मैंने एक सिंपल सा छोटा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ये क्या है कैसे काम करता है, ये फॉर्मूला क्यों निकालते हैं। लेकिन मैं मुझे ये लग रहा है कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। ओके, तो चलिए एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। हालांकि एंट्री तो समझ में आ गया होगा, एंट्री बना देंगे हम, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाते हैं। ओके, तो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी शो होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा समझिएगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन फर्स्ट अप्रैल, ओके, एक अप्रैल कब 2015, ऑन फर्स्ट अप्रैल 2015 मिस्टर योगेश ऑफ मुंबई कंसाइन 500 ट्वाइस एट रेट रुपीज 350 टू मिस्टर अबीर टू आगरा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2015 को मिस्टर योगेश जो मुंबई का है, ओके, वो क्या कर रहा है, कंसाइन कर रहा है, भेज रहा है कितना 500 ट्वाइस 350 रुपये पर ट्वाइस एट रेट ऑफ द रुपीज, मतलब एक ट्वाइस का दाम 350 रुपये। तो जो योगेश है तो वो कंसाइनर हो गया और वो किसको भेज रहा है, टू मिस्टर अबीर टू आगरा, यानी कि मिस्टर योगेश कंसाइनर और मिस्टर अबीर कंसाइनी। तो मिस्टर योगेश मिस्टर अबीर को 500 ट्वाय भेज रहा है 350 रुपये पर ट्वाय के रेट से। ओके, उसके बाद आपको बोल रहा है कि एन इनकर फॉलोविंग एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, और कुछ फॉलोविंग एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ एक्सपेंस सिर्फ बोल दिया, ये तो नहीं बोला कि कंसाइनर का हुआ या कंसाइनी का हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम कंसाइनर का ही बात कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस भी कंसाइनर का ही होगा। तो पहला एक्सपेंस क्या है, कार्टेज। ओके, कितने रुपये का, 500 रुपये का खर्चा हो गया, फ्लाइट पे 2500 रुपये का खर्चा हो गया और इंश्योरेंस पे 2500 रुपये का, सॉरी फ्लाइट पे 2000 रुपये खर्चा हो गया, मिस्टेक हो गया, जो आपका फ्लाइट था उस पर 2000 का एक्सपेंस हो गया और आपका इंश्योरेंस पे 2500 का एक्सपेंस हो गया। तो टोटल एक्सपेंस 500 2000 2500, यानी कि 5000 रुपये का एक्सपेंस किसके थ्रू हो गया, कंसाइनर के थ्रू, यानी कंसाइनर ने 5000 रुपये का एक्सपेंस कर दिया। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट में, द एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर अबीर, ओके, बाय मिस्टर अबीर, यानी कि मिस्टर अबीर के द्वारा वेयर कार्टेज, कार्टेज पे 1500 रुपये, अनलोडिंग चार्ज 1000 रुपीज एंड गोडाउन रेंट 2500 रुपीज, तो यहाँ भी टोटल लगभग 500 हो गए, यानी कि 5000 रुपये कंसाइनर ने खर्च किया और 5000 रुपये कंसाइनी ने खर्च कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March 2016 एन अकाउंट सेल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अबीर शोइंग 450 ट्वाइज वेयर सोल्ड एट एट रुपीज 1000 पर ट्वाइ। कह रहा है क्या कि 31 मार्च 2016 को क्या हो गया कि मतलब कंसाइनी यानी अबीर, यहाँ पर कंसाइनी अबीर समझेंगे, अबीर के द्वारा अकाउंट सेल भेज दिया गया किसको, कंसाइनर को, यानी कि मिस्टर योगेश को। तो मिस्टर अबीर मिस्टर योगेश को अकाउंट सेल सेंड कर दिया। तो अकाउंट सेल में क्या शो हो रहा है कि भाई 450 का ही मैंने ट्वाय सेल किया था 1000 पर ट्वाय के हिसाब से, तो भाई कंसाइनर मतलब मिस्टर योगेश ने तो 500 सेंड किया था ना, तो वो क्या रिपोर्ट भेज रहा है कि भाई मैंने 450 से अभी तक सेल कर पाया, तो वो 450 ट्वाय को सेल किया 1000 पर ट्वाय के रेट से। ओके, तो बाकी का 50 क्या हुआ, बच गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसका बोल रहा है एंड 50 ट्वाय रिमेंड अनसोल्ड, बोल भी दिया, अगर नहीं भी बोलता तो हम 50 को क्या फालतू समझ लेते, तो हमें भी तो मानना पड़ता कि भाई नहीं बिका तो चलो भाई स्टॉक में रह गया हुआ, लेकिन क्वेश्चन भी बोल दिया, क्लियर कर दिया कि आपका रिमेंस अनसोल्ड हो गया, यानी कि बिका नहीं है वो, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको बोल रहा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, किसको शो करके, कंसाइनमेंट स्टॉक को शो करके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक कर लेते हैं, यानी कि जो आपका स्टॉक है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, तो अभी आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं
हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन करना है। मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर खींच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपका बोला था कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है टॉय का। चलिए, कितना टॉय आपका अनसोल्ड हुआ था, आपका टॉय का 50 अनसोल्ड हुआ था ना, तो यहाँ कर सकते हैं एक मिनट, 50 टॉय था ना, हाँ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज एट रेट रुपीज 350। ओके, यानी कि हमारे पास कितना बचा था, देखिए अब यहाँ बोलिए कि भाई 500 ने मैंने सेंड किया था, तो आपने 500 सेंड किया था बट आपके पास तो क्लोजिंग स्टॉक तो 50 ही बचे ना, तो आप 50 पे ही आपको निकालना है, 50 से ज़्यादा नहीं करना है। तो आपका ये हो जाएगा 17,500, यानी 17,500 रुपये का आपके पास अनसोल्ड स्टॉक बच गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, एड प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ मिस्टर योगेश। यहां कंसाइनर हो सकता था लेकिन मिस्टर योगेश क्यों लिखे, क्योंकि ये कंसाइनर है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए इसमें खर्च क्या है, क्या था, इसने कार्टेज पे 500 किया था, ओके, प्लस फ्राइट पे 2000 किया था एंड प्लस इंश्योरेंस पे कितना किया था 2500, तो टोटल इसका एक्सपेंस हो गया 5000, ओके 5000। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5000 तो टोटल 5000, ये जो है टोटल 500 टॉय पे है ना, ये 5000 जो खर्चा है 500 टॉय पे खर्चा है, तो हमको खर्च किस पे निकालना है, सिर्फ 50 टॉय का खर्च हमको निकालना है क्योंकि उतना ही बचा हुआ है। मान लीजिए हमें टोटल खर्चा निकालेंगे तो इस पे तो ज़्यादा लोड पड़ जाएगा ना, 500 टॉय मंगवाए थे, 5000 खर्चा हुआ था 500 टॉय पर, तो 400 टॉय तो खत्म हो गया, बेच दिए, तो 450 का तो एक्सपेंस भी तो घटाना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको 50/500 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आया कैसे देख लीजिए, मैं सिंपल से यहाँ बताता हूँ, हमारे पास 500 टॉय है, ओके 500 टॉय का दाम कितना हो गया, 5000 एक्सपेंस हो गया, ये 500 टॉय 5000 एक्सपेंस, जब एक टॉय का निकालना है, एक टॉय का एक्सपेंस निकालना है तो 5000/500 कर दें तो हमारे पास एक टॉय का खर्चा निकल जाएगा, तो हमें कितने का निकालना है, 50 टॉय का, तो यहाँ 50 कर देंगे इसको, तो 5000 डिवाइडेड बाय 500 × 50, आपका ये निकल गया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये हो जाता है 500, यानी 500 रुपया आपका किसका खर्च हो गया, मिस्टर योगेश का 500 का खर्चा इसमें सो हो रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, और एक ऑर्डर ऐड बताए थे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ मिस्टर अबीर, ठीक है। तो मिस्टर अबीर का क्या खर्च था देख लीजिए, मिस्टर अबीर का क्या क्या खर्च था आपका, 1500 रुपये था, और एक मिनट, मिस्टर अबीर का आपका खर्च था, हाँ कार्टेज का 1500 रुपये प्लस अनलोडिंग का 1000 रुपीज बस। अब बोलिएगा कि एक और खर्च था गोडाउन रेंट, मैं एक बार एक थ्योरी में बता दूं आपको कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं तो कंसाइनी के टोटल एक्सपेंस को हम नहीं दिखाते हैं, कुछ एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड हम उसको ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि हो गया आपका गोडाउन रेंट, आपका हो गया डेल क्रेडर कमीशन, आपका हो गया मतलब कि सेलिंग एक्सपेंस, तो जितना भी सेलिंग टाइप के आपका एक्सपेंस होंगे उसे हम यहाँ शो नहीं करेंगे, उसे यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, तो हमको उसको इग्नोर कर देना है, ओके, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस हो गया। हम देखिए सेल करने से पहले का जो एक्सपेंस है वही ना क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, कॉस्ट निकालना है हमको, सेलिंग पे नहीं निकालना है, सेल तो सेल में चला जाएगा, हमें कॉस्ट निकालना है जो सेल के पहले होता है, तो सेल के पहले ये सब हुआ था।
अनलोडिंग पे और कार्टेज पे चार्ज हुआ था, तो इसे हम कर लेते हैं। कितना हो गया आपका 2500 × 50 / 500। सेम उसी तरह मैंने ये कर दिया, यहाँ पे आप 2500 कर दीजिएगा तो आपका सेम उसी तरह काम हो जाएगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आपका क्या हो गया 250, टोटल आपका हो गया, ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्या हो गया, आपका मैं पूछूं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 18,250। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, अभी अभी मैंने आपको एंट्री बताया था इसका, इसका एंट्री बन जाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक मिस कर जाता हूँ यार, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो ये आपका एंट्री बन जाएगा 18,250। तो ये आपका हो गया क्लियर, तो ये आपका वर्किंग नोट हुआ, अभी तक मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, ये आपका वर्किंग नोट हो गया क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बताते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको। ओके, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बताया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको इसी समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू सा लिखते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कितना का हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइव, कितना सेंड किया था हमने 500 × 350, यानी कि 500 × 350 रुपये है एक टॉय का, अब 500 हो गया, 500 टॉय हमने सेंड किया था, तो यह हो जाएगा 1,75,000, ये आपका क्या हो गया, गुड सेंड हो गया। उसके बाद कुछ खर्च किया था कंसाइनर, याद कीजिए मिस्टर योगेश कुछ खर्च भी किया था, तो मिस्टर योगेश का खर्च था टू बैंक अकाउंट, क्या क्या खर्च था, सबसे पहला था कार्टेज, 500, फ्राइट आपका हो गया 2000, एंड इंश्योरेंस 2500। ओके, तो ये आपका टोटल हो गया 5000, ये आपका किसका हो गया, मिस्टर योगेश का एक्सपेंस हो गया, टू बैंक कर देंगे, और टू मिस्टर अबीर का भी होगा एक्सपेंस, तो मिस्टर अबीर, टू मिस्टर अबीर कर दी। इसका क्या क्या एक्सपेंस था, इसका कार्टेज था 1500, अनलोडिंग था 1000, एंड आपका गोडाउन रेंट था 2500, तो ये भी आपका हो गया अप्रॉक्स 5000 का, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, आपका ये दोनों एक्सपेंस हो गया। उसका फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सेल हुआ था बाय मिस्टर अबीर, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, मैंने बता दिया है, आपको वहाँ जाके देख लेना है। ओके, ये आपका कितना बेचा था, 450 ही सेल किया था 1000 के रेट से, तो आपका हो गया 4,50,000। ओके, और आपका बाय कंसाइनमेंट स्टॉक था, कंसाइनमेंट स्टॉक हो जाएगा 18,250, जो कि अभी हमने ये निकाला था। ओके, तो हमें अभी जो हमने वीडियो बनाया है ये सिर्फ इसके लिए बनाया, बाकी ये सब तो आपको पता ही था, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि ये सब कैसे सॉल्व होते हैं, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको नीचे जाके ऐड कर दीजिए, और कुछ अगर एक्स्ट्रा बोला होता तो हम एक्स्ट्रा काम करते, क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा 4,68,250। ओके, 4,68,250 ये आपका हो गया टोटल, लेकिन आप इस टोटल में से आप इसको लेस कर दीजिएगा तो आपका बच जाएगा पीएल टू पीएल अकाउंट, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 2,83,250, तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया, किसका, कंसाइनर का, यानी कि ये सब कुछ खर्च, हाँ अगर कमीशन रहता तो कमीशन यहाँ टू कमीशन कर देते,
जो कंसाइनी को हमें देना था, जो मिस्टर अबीर को हमें देना था। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा समझा दिया, बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना बोला कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जो भी टाइम लगा आपको कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेशन करने में, वैल्यूएशन करने में टाइम लगा, तो आप उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस वीडियो न्यू देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।